थर्सडे है, आज हम लोग निकल रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। वैली ऑफ फ्लावर्स बद्रीनाथ के पास पड़ता है और वैली ऑफ फ्लावर्स का सिर्फ एक महीना होता है जो अगस्त का महीना है, जिसमें मॉनसून आता है तो फूल खिलते हैं। तो पूरे साल में सिर्फ एक ही महीना है जहाँ फूल खिलते हैं। आनिया इस पर मेरे साथ जा रही है। हाय। सो आनिया, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। होपफुली द ट्रैक विल गो गुड। ये आने का पहला ट्रैक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रैक है, देखते हैं। हमें मंडे की रात तक वापस आना है। मैं आनिया ने लेट करवाया था, It wasn't my fault. हमें 4 बजे निकल जाना चाहिए था, पर चलिए। I came from school at 4. ठीक है, देखते हैं। हम इस टाइम कोर्ट द्वार पे हैं और अब यहाँ से करीब 11 घंटे लगेंगे हमें गोविंद कांड पहुँचने में। सारा पहाड़ी रास्ता है। तो ये हमारा रूम है गोविंद घाट में। हम आज रात को नहीं रुकेंगे और कल सुबह हम ट्रैक पे निकलेंगे हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। आनिया आज पूरे रास्ते सोती हुई आई, करीब 7-8 घंटे सोई होंगी 12 घंटे की कार ड्राइव में। ये हमारा मॉर्निंग व्यू है। आज मौसम खुल गया है, रात को बारिश हुई थी तो इस वजह से अभी धूप निकली हुई है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और लोकल गाड़ी हमें कहीं लेके वहाँ 3-4 किलोमीटर लोकल गाड़ी लेके जाएगी और फिर वहाँ से ट्रैक स्टार्ट करना है। ये हमारा नाश्ता आ गया है, पोहा बना है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बस अब नाश्ता करके अब हम निकलेंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्रैक। We are completely ready. ये हमारा होटल था जहाँ हमने रात को स्टे किया था। पूरा रास्ता इन्होंने फूलों से घर भरा हुआ है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। राइट। तो यहाँ से हम ट्रैक शुरू कर रहे हैं। एक चीज यार, जैसे जब ट्रैक करने आओगे यहाँ पे कोई वाटरफॉल है, काफी अच्छा लगता है। बारिशों में ऐसे वाटरफॉल जगह जगह निकल आते हैं। हम वहाँ नीचे से आ रहे हैं और हमें करीब 10 किलोमीटर ऊपर जाना है। यहाँ रास्ते में हर 1 किलोमीटर बाद एक नया वाटरफॉल देखने को मिलेगा। मुझे तो गांव गया। तो आनिया, हाउ आर यू फीलिंग नाउ आफ्टर डूइंग 50%? डू यू थिंक यू कैन डू 100%? यस और नो? जोर से बोलो। यस। यू कैन डू 100%? मुझे प्यास लग रही। सीम्स लाइक तुम कर नहीं पाओगी। अब तो मैं करके दिखाऊंगी। करके दिखाओगे? अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना आनिया ने कहा है वो करके ही दिखाएगी। तो हम घांगरे के पास पहुंच रहे हैं, सुंदर होता जा रहा है। वो आगे घांगरिया है, हमारा होटल है, होटल पूरे नेक्स्ट। जिस होटल में अभी थे हमने वहाँ पे लंच करा, तो लंच में मैगी बन पड़ी थी। मैगी बनाने वाला शेफ इतना टैलेंटेड कि मैगी बर्बाद कर दी। मैगी बनाने के लिए पैकेट खोलो, उसको पैन में डालो और उसके ऊपर मसाले डालो, फिर मिक्सर के निकाल लो, मैगी बन गई। इन स्टेप्स में मैगी खराब कर दी बंदे। अब हम लोग निकल रहे हैं।
वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। यहाँ से करीब 6 या 7 किलोमीटर है और मौसम साफ हो गया है। जाता है हेमकुंड साहिब के लिए और ये रास्ता जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। एकदम तेजी से आ रहे हैं। ये हमारे सामने तृप्ता ग्लेशियर है और तृप्ता ग्लेशियर के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ये सारा का सारा ग्रीन एरिया वैली ऑफ फ्लावर्स का है। मैंने यहाँ ड्रोन चलाने की कोशिश कर रही है पर विंड बहुत तेज है, तो देखते हैं चल पा रहे हैं, चल पाता है नहीं चल पा रहा है। कहते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर्स दुनिया में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ आप एक पेड़ पे 2 रंग के फूल देख सकते हैं। आप इस पेड़ पे देखेंगे ऊपर एक डिफरेंट कलर का फूल है और उसके नीचे एक डिफरेंट कलर का फूल है। ये सिर्फ वैली ऑफ फ्लावर्स में पॉसिबल है। आनिया काफ़ी थक गई है तो आनिया ने सोचा है वो यही फूलों की घाटी में थोड़ी देर सोएगी। एकदम ख़राब हो गया है, अब लगता है बारिश आएगी और तेज़ बारिश आएगी, पर ऐसा आप देख सकते हो चौथा बादल ही बादल आ गए हैं तो बारिश तो आएगी। क्यों आनिया, क्या लगता है बारिश आएगी? हमारा पानी खत्म हो गया है, ये पानी एकदम ठंडा होना चाहिए बस। पानी यहाँ का पानी भरना नहीं आ रहा है, भरो पूरा भरो। हमने वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक खत्म कर लिया है और अब थोड़ा रेस्ट लेके हम खांगरिया घूमने गए आए। और खांगरिया छोटा सा टाउन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। या फिर एक अमेजिंग बात है, फीमेल ट्रैकर्स बहुत ज़्यादा, लाइक इट्स 70-30% फीमेल ट्रैकर्स, 70-30% मेल, विच इज़ अ रियली गुड थिंग। ये सिटी छोटा है पर यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा जो आपको चाहिए। और यहाँ पे सिग्नल की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सिर्फ BSNL का सिग्नल चल रहा है और वो चल नहीं रहा है 2-3 दिनों से क्योंकि एक मशीन ख़राब हुई है जिस वजह से पूरे शहर का सिग्नल नहीं आ रहा। आज हमारा फाइनल डे है ट्रैक का, हम यहाँ से करीब 13 किलोमीटर ट्रैक करके नीचे पुलना तक जाएंगे और फिर वहाँ से लोकल कैब करके गोविंद घाट। बारिश शुरू हो गई है, हमने करीब 2 किलोमीटर कर लिए हैं तो जाने की बाकी 10 किलोमीटर अब हमें बारिश में करने हैं, थोड़ा स्लिपरी हो जाएगा। हमने अभी एक पोर्टर कर लिया है जो हमारा सारा सामान पोर्टर ले जाएंगे। ये भैया हमें बता देते कि ये करीब 90 किलो तक अपना वेट उठाते हैं, खुद इनका वेट 70 kg है, 5 किलो ये बास्केट का वेट और 95 किलो टोटल 95 kg तक उठा रहे हैं। फिर स्लिपरी होता जा रहा है, आनिया थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा आपको, जैसा आप देख लो
आने बहुत संभाल संभाल के, पानी पड़ने से पूरा ट्रैक स्लिप भी हो गया है। स्टिक लगा के, हाँ यस गुड, नो 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 डोंट जंप, अभी बारिश थोड़ी सी हल्की हुई है वरना एकदम से बहुत तेज हो गई थी। और हमने काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ी हुई है, हाल इज डूइंग वेरी वेल, थोड़ी फिसलन थी पर हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों आने प्रॉब्लम नहीं आई, अब हमें यहाँ से 2 hours और लगेंगे नीचे पुलना तक पहुँचने में, और बिल्कुल भीड़ नहीं है। सबसे खास बात ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम लोग ही हैं यहाँ पे। हमने करीब 8 kilometers कवर कर लिए हैं 2 hours में, तो यानी कि हम 4 kilometers पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, जो एक काफ़ी अच्छी स्पीड है ये देखते हुए कि बारिश हो रही है। To come here sometime and watch, like just explore the place because it's really beautiful, amazing, it's amazing.